Hi everyone, welcome to my YouTube channel and this is Suman Shikhawat and आज आपका ये है GK का session and आज का जो topic है वो है books and authors. तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं, these are my social media handles, तो आप telegram ज़रूर join कर लीजिएगा, like कीजिए, share कीजिए और channel को subscribe कीजिए. So ये है आपका first question and जो first question है वो है about book the गिलिवर्स ट्रैवल्स वॉज रिटन बाय, इनके जो हैं राइटर जो हैं वो कौन थे, गिलिवर्स ट्रैवल्स के राइटर जो हैं वो कौन थे. सो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आंसर है. एंड इसके लिए जो आपका आंसर होगा वो होगा जोनाथन स्विफ्ट. जोनाथन स्विफ्ट, फास्टली आप लोगों को कॉमेंट में मुझे आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर देन होप्स इज अ बायोग्राफी ऑफ, हायर देन होप्स जो है एक बुक है एंड वो किसका बायोग्राफी है. सो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा नेल्सन मंडेला, वो है नेल्सन मंडेला का बायोग्राफी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एलाइस इन वंडरलैंड, द फेमस टीवी सीरियल है एलाइस इन वंडरलैंड, द फेमस टीवी सीरियल इज बेस्ड ऑन अ बुक रिटन बाय, वो किस पर बेस्ड है, जो टीवी सीरियल है एलाइस इन वंडरलैंड वो किस बुक पे बेस्ड है, आई मीन उस बुक को किसने लिखा है, एक फेमस टीवी सीरियल है एंड उस बुक के जो राइटर हैं वो हैं लुइस कैरोल. नेक्स्ट है आपका द सेलिब्रेटेड नोवेल, तो सेलिब्रेटेड नोवेल जो है द गॉडफादर, इसके बारे में आपको पता होगा. इसके ऑथर जो हैं वो कौन थे, आपको इसके ऑथर बताना है, राइटर बताना है कि वो कौन थे द गॉडफादर के, वो हैं जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच बुक इज एंटाइटल्ड एज बाइबल ऑफ कम्युनिज्म, बाइबल ऑफ कम्युनिज्म किस बुक को कहा जाता है, किस बुक का नाम से जाना जाता है हमें, तो इसके लिए आपको बताना है एंड इसका जो आंसर होगा वो होगा दास कैपिटल, दास कैपिटल. नेक्स्ट है हु रॉट अ बुक, हु रॉट द बुक अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया बुक के आपको राइटर बताने हैं किसने ये लिखा है, तो वो है ईएम फॉस्टर, ईएम फॉस्टर इसके राइटर हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका वो है द बुक सैटनिक वर्सेस वाज रिटन बाय, ये किसके थ्रू लिखी गई है, किसने इसको लिखा है सैटनिन वर्सेस, एंड इसके जो आंसर है वो है सलमान रशीदी. Who among the following authored the book A Scrap Book of Prisoner? A Scrap Book for Prisoner का आपको बताना है author किसने लिखा है and basically इसका answer होगा एल के आडवाणी. A Scrap Book of Prisoner इसके writer जो है, author जो है वो है एल के आडवाणी. Next book पे चलते हैं. The author of the book A Brief History of Time, A Brief History of Time इसको किसने लिखा है, इसका आपको बताना है कार्ल सेगन या फिर आपको लगता है माइकल ग्रीन या फिर जॉन आपको लगता है कि स्क्रेबॉन्स या फिर आपको लगता है स्टीफन हॉकिंग, तो इसका आंसर होगा स्टीफन हॉकिंग, आंसर होगा डी. व्हाट इज द टाइटल ऑफ ए पी जे अब्दुल कलाम्स ऑटोबायोग्राफी, ए पी जे अब्दुल कलाम जो कि बहुत बड़े नेता रहे और अच्छे पॉलिटिशियन भी रहे हैं इंडिया के, इसका आपको बताना है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, नाम है इनकी ही तरह विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर नेम है जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है. नेक्स्ट आपको बताना है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ऑथर कौन है न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जो बुक है उसके ऑथर का आपको नाम बताना है एंड वो कौन है, ए बी विजयापी, ए पी वाजपेयी, सॉरी ए पी वाजपेयी, द आंसर इज ए पी वाजपेयी इसका करेक्ट आंसर होगा. हु अमंग द फॉलोइंग रॉट द बुक एलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, एलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस के राइटर का आपको नाम बताना है, इसमें से वो राइटर कौन है एंड जो राइटर नेम है वो होगा ये अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय इज द राइटर ऑफ एलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है ये,
द ऑटोबायोग्राफी लिविंग हिस्ट्री हैज बीन ऑथर्ड बाय, लिविंग हिस्ट्री जो नाम है एक ऑटोबायोग्राफी वो किसके थ्रू लिखी गई है आपको बताना है, एंड इसका आंसर होगा हिलैरी क्लिंटन, हिलैरी क्लिंटन के थ्रू लिखी गई है लाइफ हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी है जो कि द ऑथर ऑफ बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट्स, उसके ऑथर कौन है, बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट, इसके ऑथर का नाम आपको बताना है एंड आंसर होगा ये बिल गेट्स, बिल गेट्स जो है वो इसके ऑथर हैं जिन्होंने ये बुक जो है लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्ट जो नहीं है, करेक्टली मैच्ड जो नहीं है, इस तरफ ऑथर्स हैं इस तरफ बुक्स हैं एंड आपको बताना है कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। जैसे कि जस्टिन जॉर्डन की बुक है गो टू अ वॉचमैन एंड ये करेक्ट ऑर्डर है, इसके ऑथर जो है वो जस्टिन जॉर्डन ही है। नेक्स्ट है मार्क लॉसन, मार्क लॉसन ने लिखी है द गर्ल ऑन द ट्रेन, ये गर्ल ऑन द ट्रेन के ऑथर जो है वो मार्क लॉसन नहीं है तो ये इनकरेक्ट है। मैथ्यू ओयट्स ने लिखा था इन पर्सुइट ऑफ बटरफ्लाइज, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड एज रे ने लिखा था वेटिंग फॉर द पास्ट तो ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट जो बताना था जो कि आंसर होगा मार्क लॉसन इज नॉट ऑथर ऑफ द गर्ल ऑन द ट्रेन। नेक्स्ट आपको बताना है द हेयर विद द अम्बो आईज अ हिडन इनहेरिटेंस इज रिटन बाय, ये किसके थ्रू लिखी गई है, द हेयर विद अम्बो आईज अ हिडन इनहेरिटेंस ये किसके द्वारा लिखी गई है, किसने इसको लिखा है एंड एंड आंसर होगा ए एडमंड डे वॉल, एडमंड डे वॉल जो है वो इसके राइटर हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ओके ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही है बुक्स एंड ऑथर्स में। नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा वो होगा अगला नए टॉपिक पे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में जीके के, तो काफ़ी सारे सेशन जो हैं वो आपके जीके के होने वाले हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय श्री राम।